प्रदेश में अचानक मौसम का मिजाज बदला है। सीकर के फतेहपुर में ओलावृष्टि देखने को मिली है, मरुभूमि में सफेद चादर देखने को मिली है, तो वहीं राजधानी में भी तेज हवाओं के साथ बरसात हुई है, जिससे मौसम सुहावना हुआ। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोनलाइन पर राकेश गुर्जर फतेहपुर से फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। जी राकेश, क्या कुछ अपडेट है? सफेद चादर वहां पर बिछी है, ओलावृष्टि हुई है। देखिए, फतेहपुर के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर तो भयंकर ओलावृष्टि इस वक्त हुई है और जो खेतों में सफेद चादर बच गई है। जिस तरीके से कश्मीर का सा जो नजारा है फतेहपुर के ग्रामीण इलाकों की, हालांकि फतेहपुर शहर में तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जो विभिन्न ग्रामीण इलाके हैं वहां पर, चाहे बात फतेहपुर के मांडेला की सबसे ज्यादा अगर बात करें, बिरानिया मांडेला सहित जो अन्य गांव है और बाकी अन्य शेखावाटी के अन्य इलाके हैं वहां भी है। और फतेहपुर की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर जो तापमान है वो 38 डिग्री के करीब था, लेकिन दोपहर बाद में मौसम पलटा और यहाँ पर तापमान में भी कहीं ना कहीं गिरावट दर्ज तो की गई। इसके साथ ही अगर बात कर ली जाए तो मौसम में कई जगह बदलाव आने से और कई क्यों ओलावृष्टि से काफी नुकसान भी यहाँ पर किसानों को हुआ है, क्योंकि कई जगह तो ऐसा कई लोगों को नुकसान हुआ है, घरों में नुकसान हुआ है। ऐसे में कई जगह हल्की बारिश है वो भी देखने को मिली है, फतेहपुर के जो अन्य इलाके हैं वहां भी देखने। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे फतेहपुर संवाददाता राकेश गुर्जर, जिन्होंने अपडेट दी मौसम को लेकर फतेहपुर में किस प्रकार से ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है, तो वहीं मौसम का मिजाज बदलने से तपिश में भी कमी आई है।